भारत माता की, भारत माता की। बांग्लार प्रिय भाइयों बोनेरो, दुर्गापुरे परिश्रमी मानुष के आमार नमस्कार। जिस स्थान के नाम में ही दुर्गा हो, उस जगह पर इतनी विशाल संख्या में आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अभी मुझे ठाकुर नगर में अपना संबोधन और वहां की भीड़ का अभूतपूर्व उत्साह, ज्यादा ही जोश, और मैं देख रहा था कि माताएं बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में थी, और मुझे लगता है उस मैदान की तुलना में दोगुना लोग मैदान में आ गए थे। उनको काफी परेशानी हुई। मैं उनके इस आशीर्वाद के लिए, जुस्से के लिए, प्यार के लिए मैं ठाकुर नगर में आए हुए सबका प्रणाम करके अभिवादन करता हूं। लेकिन साथ साथ उनको वहां जो दिक्कत हुई, कुछ बहनों को कठिनाई हुई, कुछ बच्चों को कठिनाई हुई, उनके प्रति मेरी संवेदना बताता हूं और मैं इसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। भाइयों बहनों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आपका उत्साह उमंग मेरी सर आंखों पर, आपका प्यार मेरी ताकत है, लेकिन प्यार के साथ धैर्य भी होना चाहिए। ये मैदान इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं काफी छोटा पड़ गया है। चारों तरफ मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। भाइयों बहनों, धैर्य इसलिए जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह का बर्ताव यहां की सरकार, यहां की टीएमसी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, उसमें आपको तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे कल रात जो कुछ भी यहां हुआ है उसकी पूरी जानकारी मिली है। एक कार्यकर्ता को मैं सामने देख रहा हूं जिसके मुंह पर पट्टियां लगी हुई हैं, उसके नाक को इंजरी कर दी गई है, लेकिन हिम्मत इसको कहते हैं कि वो आकर के यहां खड़ा हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि आपकी ये तपस्या, आपका ये जोश, आपका ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। कुछ समय लगेगा, दिया जब बुझने लगता है तो जरा आखिर आखिर में थोड़ा ज्यादा जोर लगा देता है।
मैं कभी दिल्ली में बैठ करके सोच रहा था कि दीदी खुद साम्यवादियों के शासन में इतनी परेशान रही, खुद ने परेशानियां झेली हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने का तौर तरीके क्या होते हैं उससे वो खुद गुजरी है। तो मैं सोच रहा था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी, और मुझे आश्चर्य होता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ये आपका प्यार है जिन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी हुई है, ये आपका उत्साह है, आपका उमंग है, और उसीलिए उनको लगता है कि वो भी उस साम्यवादियों के तौर तरीके अनुसार लोकतंत्र का गला घोंट करके निर्दोष नागरिकों को परेशान करके कार्यक्रम में आने वालों के लोगों की गाड़ियां जला करके उनको लगता होगा कि वो अपना राजनीतिक उल्लास सिद्ध कर लेंगे। तो वो समझ लें न साम्यवादियों ने हिंसा को बंगाल को दबाया में सफलता मिली है, न टीएमसी की हिंसा बंगाल के मिजाज को बदलने में दबाने में कभी सफल होने वाली है। जिस सरकार को लोकतंत्र की मर्यादा की परवाह न हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरह की हिंसा की छूट मिली हुई हो, और सरकार के मुलाजिम भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हो, तभी मान लीजिए और मेरे शब्द लिख करके रखिए, इनका जाना तय है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा ये मैं साफ देख रहा हूं। बंगाल की पवित्र धरती अपना ये हाल बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां की धरती में, यहां की परंपरा में इतना सामर्थ्य है कि वो मां माटी मानुष के नाम पर सरकार बनाने के बाद यहां के लोगों को चुन चुन करके रास्ते से हटा कर रही ममता सरकार को ही हटा करके रहेगी। साथियों, बांग्ला परंपरा का भारतीय जनता पार्टी के विचारों और संस्कारों में बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा का हर कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को जीवन का मंत्र बना करके चलता है। हमारी पार्टी के मूल में वही जनसंघ है जिसके प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती के रत्न थे। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति उनके आग्रह ने ही बीजेपी की विचारधारा को प्रेरित किया है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार पूर्वी भारत को नए भारत के विकास का अगवा बनाने में जुटी है, और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि यहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां सैकड़ों करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। अंदाल, सैथिया, पाकुल, मालदा सेक्शन, खाना साथिया सेक्शन,
और हिजली नारायण सेंक्शन के विद्युतीकरण से आप सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इससे कोयले समेत अनेक प्राकृतिक संपदाओं को लाने ले जाने में ज्यादा सुविधा भी होगी, साथ ही यहां से उत्तर बंगाल जाने में लगने वाला समय भी कम होगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां जो सरकार है वो विकास की परियोजनाओं को लेकर के रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 90,000 करोड़ रुपए के करीब करीब 2 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट पर काम या तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, और अगर कुछ शुरू हुआ है तो बिल्कुल मरी हुई गति से काम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेलवे, वाटरवे, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और स्वास्थ्य जैसे विषयों से जुड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो केंद्र सरकार को जरा भी मिल नहीं रहा है। आज दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि टीएमसी की सरकार उन प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं लगाती जहां सिंडिकेट का शेयर ना हो, जहां मलाई न मिलती हो। केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की योजना तब तक तेज नहीं हो सकती जब तक विकास विरोधी सरकार यहां होगी। साथियों, पश्चिम बंगाल की सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों को कुचलने में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार इन सपनों को, आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का प्रयास कर रही है। कल आपने देखा, संसद में इस वर्ष का बजट पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रोग्रेसिव शहरों में से एक दुर्गापुर से मैं देश के मध्यम वर्ग को, हमारे युवाओं को मैं इस शानदार बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका साथ सबका विकास क्या होता है वो इस बजट में दिखता है। इसमें किसान हो, श्रमिक हो या फिर मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। साथियों, देश में एक लंबे समय से एक मांग उठ रही थी, हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्ति मिल जाए। इस मांग को पूरा करने का काम, इतने सालों की पुरानी मांग अगर किसी ने पूरी की है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की दिल्ली की सरकार ने की। इस बजट में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 लाख रुपए तक की आय पाने वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी तो ये ट्रेलर है। क्यों?
क्योंकि ये तो अंतरिम बजट था। चुनाव के बाद जो आम बजट हम लेकर के आएंगे उसमें नए भारत के नए रास्ते की एक तस्वीर को हम साफ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथियों, सरकार के इस एक फैसले से देश के 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ होगा, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग, और जिसमें विशेष तौर पर हमारे युवा हैं जो अपने कैरियर की शुरुआती दौर में हैं, इनको इससे बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। अब उनके पास अपने कैरियर की शुरुआत में फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, घर के सामान के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी। साथियों, इसमें सीधे तौर पर टैक्स में छूट तो मिली ही है, इसके अलावा भी टैक्स कम करने के लिए छूट बढ़ाई गई है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ा करके 50,000 रुपये की गई है। साथियों, अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को नौकरी हो, बच्चों की शिक्षा हो या फिर वृद्ध माता पिता की देखभाल, अलग अलग तरह के व्यक्तिगत कारणों से 2 घर रखने पड़ते हैं। कई बार बड़े शहरों में लोग इसलिए भी घर खरीदते हैं कि जब बेटी या बेटा उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए उस शहर में जाएगा तो अपने ही घर में रहेगा। ऐसे में सरकार ने अब तय किया है कि दूसरे घर के नॉमिनल किराए पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा, यानी अब बिना दूसरे घर की रेंटल इनकम पर टैक्स की चिंता किए बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। इसी तरह जो लोग अपना घर बेच रहे हैं और घर बेचने के बाद उन्हें 2 करोड़ से कम रुपए मिले हैं, और ऐसे लोग अगर 2 अलग अलग छोटे घरों में वही पैसा निवेश करते हैं तो भी उन्हें आयकर से अब मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी दे दी जाएगी। हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन रही है कि माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि अपना एक बड़ा घर बेच के 2 बच्चों के लिए 2 छोटे छोटे 2 घर खरीद ले। पहले उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ता था, अब हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनको इसके लिए अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्यम वर्ग के मेरे भाई और बहनों के लिए और आय का एक बहुत बड़ा जरिया रेंटल इनकम भी होता है। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि किराए से जो आमदनी हो रही है उस पर टैक्स कटौती की सीमा को भी 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया जाए। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए पैसों के ऊपर मिलने वाले ब्याज पर अभी तक 10,000 रुपये तक की राशि पर TDS की छूट होती थी। मध्यम वर्ग, खासकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये राशि अब बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। साथियों, इस बार बजट में जो ऐलान हुए हैं ये बीते 4.5 वर्ष से चले आ रहे हमारे प्रयासों का विस्तार है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि पहले की सरकार के दौरान जहां महंगाई दर 10% के आसपास रहती थी
वो बीते 4.5 वर्ष में 4% के आसपास आकर के रुक गई है। हर महीने जो मोबाइल और इंटरनेट का बिल हर परिवार का हजारों में आता था, वो अब कुछ 100 रुपयों तक सिमट गया है। एलईडी बल्ब सस्ते होने से हर वर्ष मिडिल क्लास के बिजली के बिल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। 50,000 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। हार्ट के स्टेंट, नी सर्जरी और डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों की दवाइयों की कीमत बहुत कम होने से मिडिल क्लास को हजारों रुपयों की बचत हो रही है। साथियों, किसानों के लिए भी कल बजट में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को हर साल, ये एक बार नहीं है, हर साल 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस योजना पर एक साल में 75,000 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा। हमारी सरकार की तैयारी है कि किसानों को पहली किस्त हो सके उतनी जल्दी उनके खाते में जमा हो जाए। भाइयों और बहनों, इतने पैसे से हम भी कर्ज माफी का शोर मचा सकते थे। जैसे 2008-09 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ड्रामेबाजी की थी, कर्ज माफी की घोषणाएं की थी, हम भी कर सकते थे। लेकिन हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और जिसके कारण हम किसान के हित में परमानेंट योजना लेकर के आए हैं। इस योजना से जिनको लाभ मिलने वाला है वो किसान, जिनमें से अधिकांश को कभी भी कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि योजना वन टाइम नहीं है। अब ये योजना देश के छोटे छोटे किसानों के साथ हमेशा के लिए रहेगी। साथियों, एक मोटा मोटा अनुमान लगाए तो भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए कांग्रेस के गणित में लगभग हर 10 साल पर एक बार कर्ज माफी का नंबर आता है। 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि उसने किसानों का 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। अब 10 साल बाद वो फिर कर्ज माफी की बात कर रही है। वहीं भाजपा सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो हम योजना शुरू की है, उसके माध्यम से अगले 10 साल में किसानों को 7,50,000 करोड़ रुपया मिलना तय है। अब मुझे बताइए, 10 साल में 52,000 करोड़ और 10 साल में 7,50,000 करोड़, कौन सी योजना बड़ी है? पीएम किसान योजना बड़ी है कि नहीं है? किसानों का लाभ करने वाली है कि नहीं है? दूसरा,
उनकी योजना का लाभ जो बड़े किसान थे, जो कर्ज ले पाते थे, ऐसे 2 या 3 करोड़ों तक पहुंचती थी, हमारी योजना 12 करोड़ किसानों के पास पहुंचेगी। आप मुझे बताइए, ये 12 करोड़ वाली योजना बड़ी है कि नहीं है? वे 10 साल में एक बार लेके आते थे, हम हर साल पैसे देने वाले हैं, ये बड़ा है कि नहीं है? लेकिन ये सच कोई बोल नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। और ये भी मत भूलिए कि जब कांग्रेस कर्ज माफी करती है तो एक तरफ छोटे किसानों का 10-15 रुपए को कर्ज माफ होता है और दूसरी तरफ लाखों रुपए ऐसे लोगों का माफ कर दिया जाता है जो किसान होते ही नहीं है। अब कांग्रेस का ये जो गणित है, देश का किसान भी देख रहा है और समझ भी। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, आजाद भारत में किसानों के लिए ये सबसे बड़ी योजना बनी है। साथियों, किसानों के साथ केंद्र सरकार ने उन कामगारों का भी ध्यान रखा है जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कंपनियों में, छोटे उद्यमों में, खदानों में, घरों में, खेत खलिहानों में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के मेरे कामगार भाइयों बहनों, जिनकी संख्या करीब 40-42 करोड़ है, घर में काम करने वाले कम लोग होते हैं, ड्राइवर होते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इससे 15,000 रुपए महीना से कम कमाने वाले कामगार साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये नियमित पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सिर्फ 50 रुपये से 200 रुपये तक का बहुत छोटा सा अंशदान महीने में देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितना पैसा कामगार देगा, आप उसका पैसा भारत सरकार भी उसमें जमा करेगी। साथियों, ये जो भी योजनाएं बजट में घोषित हुई है, ये सबका साथ सबका विकास, इसके हमारे संकल्प का विस्तार है। सरकार छोटे से छोटे दैनिक वेतन भोगी कामगार के लिए भी अटल पेंशन योजना चला रही है, जिसमें बहुत ही मामूली अंशदान पर 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित हुई है। इससे भी देश भर में लगभग 1.5 करोड़, पश्चिम बंगाल में लगभग 9 लाख कामगार साथी जुड़ चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बीमा भी सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसा प्रतिदिन के मामूली प्रीमियम पर दिया जा रहा है। बहुत ही कम समय में इन दोनों योजनाओं से देश भर में लगभग 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 80 लाख लोग हमारे पश्चिम बंगाल के भी हैं। आप में से भी जिसने अभी तक इस सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया है, उनसे मेरा आग्रह है कि इनसे जुड़े, ताकि मुश्किल समय में आपको यहां वहां भटकना न पड़े। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इनसे जुड़ने के लिए आपको सिंडिकेट से डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा सरकार विकास की पंचधारा, यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ
पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। ऐसी निर्दयता की मैं कल्पना नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल पिछले साल आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर के उभरा, लेकिन यहां की सरकार ने अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को देने से इनकार कर दिया। इस योजना के तहत राज्य के 17 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ था। अभी 17,000 से अधिक गरीबों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज ही चल रहा था, और बीच में ही पश्चिम बंगाल की गरीब विरोधी सरकार ने उनको अधर में छोड़कर की योजना से हाथ खींच लिया। इससे बड़ी संवेदनहीनता, इससे बड़ी निर्दयता कोई नहीं हो सकती है। अब आप ही बताइए, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को धोखा दे दे, वो क्या कभी किसी का भला कर सकते हैं? गरीबों के जीवन से खेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और ये किया क्यों उन्होंने? मुझे किसी ने बताया कि जिन गरीबों को इसका लाभ मिला, बिना पैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, किसी के नी का ऑपरेशन हो गया, किसी सगर्भा बहन को संकट के समय बचा लिया गया, और जब लोगों ने उनको पूछा कि आपको ऐसा कैसे मदद मिल गई, तो बेचारे गरीब भले भोले लोगों ने उनके मुंह से निकल गया कि मोदी जो योजना लाया है ना, उसके कारण मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी जिंदगी बच गई। अब ये बंगाल के गरीब के मुंह से मोदी का नाम निकला तो दीदी की नींद खराब हो गई। दीदी को लगने लगा कि आयुष्मान भारत योजना अगर गरीबों की बीमारियों से दूर हो जाएगी, और हर बीमार जब ठीक होगा और मोदी मोदी बोलेगा, तो दीदी का क्या होगा? ये मोदी शब्द सुनने के कारण ये दीदी ने पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को इतनी बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया है। ऐसी निर्दय सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, साथियों, इन्होंने पश्चिम बंगाल को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां पढ़ाई पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, TTT टैक्स। TTT का आपको पता है? आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल का बच्चा तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से परिचित है। ये TTT, TMC का TTT, तृणमूल तोलाबाजी टैक्स, कॉलेज में एडमिशन हो, टीचर की भर्ती या ट्रांसफर हो, लोग बताते हैं कि सब जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है ना, सब जानते हैं ना, ये TTT से परिचित है पक्का। पश्चिम बंगाल के अनेक स्कूलों में टीचर नहीं है, TTT के चलते अनेक टीचर स्कूल में पढ़ाने की बजाय कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, जगाई मथाई सिंडिकेट,
ट्रिपल टी, इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट इनको मिल गई। अब ऐसा नहीं हो सकता, बीजेपी सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की, युवाओं की आवाज बनकर के खड़ी है। साथियों, बीजेपी सज्जनों की संस्कृति, बंगाल की परंपरा को बेड़ियों में जकड़ने नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों, मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। देश का सबसे शक्तिशाली नामदार परिवार भी आज टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है। साथियों, देश को लूटने वालों को जो पहले मौज में थे, बड़े बड़े रक्षा सौदों में दलाली खाकर विदेश भगा दिए गए थे, ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारत लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है। ये राजदार इन सभी के काले कारनामों के राज खोलते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपके इस चाय वाले ने अच्छे अच्छों की ये काली कमाई और गोरख धंधे बंद कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि कोलकाता में इसलिए कैसे कैसे लोग इस चौकीदार को हटाने के लिए इकट्ठे हुए और शपथ ले रहे थे। जरा फोटो देखना, कितने डरे हुए थे। किसी का बेटा किसी गुने में है, किसी का भतीजा गुने में है, कोई खुद गुने में है, किसी का भाई गुने में है। और इसलिए कलकत्ते आए, वो लोग चार वर्ष पहले तक एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, जो चीख चीख कर एक दूसरे को जेल भेजने का ऐलान करते थे, वही गले लग रहे थे। काले कारनामों की चिटफंड से लेकर के रक्षा सौदों में धोखाधड़ी करने वालों को ये चौकीदार पसंद नहीं है। मैं आपको यहां पश्चिम बंगाल का ही एक और उदाहरण देता हूं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए, कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से घबरा रही है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट, नए घर बिल्डर बना रहा है, वो उन्हें तय समय पर बनाकर देने पड़ेंगे। कोई भी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा। इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है, उसकी ममता दीदी की सरकार में क्या अहमियत है, वो आप भी भली भांति जानते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं।
भाइयों और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में 9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी, वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वह करवाती थी, लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार हैं, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं, उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमीन खिसकने को लग जाती है। कभी हेलीकॉप्टर को मत उतरने दो, कभी यात्रा मत करने दो। अरे दीदी, ये तुम्हारे खेल कितने दिन चलने वाले हैं? भाई और बहनों, ये लोग जितना भी गालियां देते रहे, आप सभी के आशीर्वाद से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बताइए, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना है कि नहीं करना है? मैं जी जान से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? ईमानदारी से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये आपके आशीर्वाद के कारण कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पश्चिम बंगाल को जगाई मथाई और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ हैं। आपका यही विश्वास है जो मुझे दिन रात दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकत देता है। इसी विश्वास को बनाए रखते हुए एक बार फिर से नए बजट से मिलने वाले लाभ के लिए मैं देशवासियों को, बंगाल वासियों को, दुर्गापुर वासियों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। इतनी भारी संख्या में आकर आपने जो आशीर्वाद दिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। এত হাজার হাজার জনতা আজকে এসেছেন আমাদের এই দুর্গাপুরের মানুষের কাছে, তিনি পৌঁছেছেন, সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন। বলুন।